अल्लाह जब किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़बान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। बेशक अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी कम हो जाती है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह ताला से और दूसरी अल्लाह ताला के लिए किसी और से। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। इंसान जब मुकम्मल टूट जाता है तब उसे अल्लाह के सिवा कोई अच्छा नहीं लगता। सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसमें ताना नहीं, इल्जाम नहीं, रुसवाई नहीं, बेकरारी नहीं, शर्मिंदगी नहीं और बेएतबारी नहीं, और वो है सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत। बेशक अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशात और आरजुओं से बेहतर हैं। ना उम्मीद कभी मत होना क्योंकि अल्लाह के पास नामुमकिन कुछ भी नहीं। हमेशा अल्लाह से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो देता है लेकिन वो कभी आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। रिज्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। तीन नेकियां जिनको करने से क्यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ करना, किसी के गुनाह का पर्दा रखना।